तो फिलहाल सनी भाई भी हैं मेरे साथ, मदन जी भी हैं। सनी भाई, समझ नहीं आती, कल भी हम बात कर रहे थे कि इतना बड़ा मैच है, इसका बिल्डअप इतना बड़ा है, बट क्या इंडिया ने वो टॉस के वक्त एडवांटेज सारा का सारा ऑस्ट्रेलिया को दे दिया? 327 तीन आउट सनी भाई, आप 450 में देख रहे हैं। हालांकि देखिए अभी तो ये दोनों बैटिंग कर रहे हैं, स्टीव स्मिथ 100 के करीब है, वो 150 के करीब बैटिंग कर रहे हैं, 250 रन की पार्टनरशिप हो गई है। अभी कैमरन ग्रीन ने आना है, हम पहले क्यों झेले, उनको डाल देते हैं। मतलब क्या ये अटैकिंग मूव थी या आपको लगता है डिफेंसिव माइंडसेट था टॉस पे उनको बैटिंग कराने का? नहीं देखिए, ये तो डिफेंसिव मूव थी अटैक। तो गाइस फुल वीडियो आगे है गाइस, सिर्फ 30 सेकेंड स्किप कीजिए और वॉच कीजिए गाइस। वन सेकेंड आपको बता दूं, फुल वीडियो आगे है, 30 सेकेंड जो है स्किप कीजिए और वॉच कीजिए विक्रांत गुप्ता सर का रिएक्शन ऑन इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो WTC फाइनल का डे वन का गेम हुआ है उसको लेकर रिएक्शन वीडियो है गाइस। वन सेकेंड आपको बता दूँ, फुल वीडियो आगे है, देखना चाहते हैं तो 30 सेकेंड स्किप कीजिए और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कर कर बताना आपका क्या रिएक्शन है इसको लेकर गाइस। तो गाइस पहले वॉच कीजिए इस वीडियो को गाइस। और ये 250 रन की पार्टनरशिप कहते हैं ना डबल क्विक टाइम में आई है, सबसे बड़ी बात है कि डबल क्विक टाइम में आई है और इतनी तेज आई है कि भारत के हाथ से पूरा का पूरा इनिशिएटिव ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम कर लिया है। तो फिलहाल सनी भाई भी हैं मेरे साथ, मदन जी भी हैं। सनी भाई, समझ नहीं आती, कल भी हम बात कर रहे थे कि इतना बड़ा मैच है, इसका बिल्डअप इतना बड़ा है, बट क्या इंडिया ने वो टॉस के वक्त एडवांटेज सारा का सारा ऑस्ट्रेलिया को दे दिया? ये कहना मुश्किल है क्योंकि सुबह में जब टॉस जीते थे तो जो कंडीशन थी वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि सीम बॉलर को बहुत मदद मिलेगी, पर तो मुझे लगता है कि जो शायद गलती हुई थी वो कि उन्होंने 4 फास्ट बॉलर्स खिलाए, और क्योंकि मेरे समझ में ये समझ के बाहर है कि जो नंबर वन ICC रैंक नंबर वन बॉलर है उसको आप टीम के बाहर कैसे रख सकते हैं। आपके नंबर वन ICC के कोई बल्लेबाज हो, उसको कोई भी पिच हो, किसी भी तरह के पिच हो, क्या आप उसको 11 में से बाहर निकाल देंगे? ये नहीं हो सकता। अगर बल्लेबाजों को नहीं होता तो बॉलर को क्यों होता है, मुझे समझ नहीं आता, और हमेशा ये अश्विन के साथ ही होता है, तो वहाँ पे वो गलती होगी। और दूसरी बात हमें याद रखनी चाहिए, अश्विन ऑफ स्पिनर है, ऑस्ट्रेलिया के पास 5 लेफ्ट हैंडर्स हैं, वार्नर ख्वाजा ओपनिंग बल्लेबाज है, ख्वाजा जल्दी आउट हो गए ठीक है, ट्रेविस हेड नंबर 5 पर आते हैं, नंबर 6-7 पर एलेक्स कैरी आएंगे, उसके बाद में आएंगे मिचेल स्टार्क भी आते हैं, तो मतलब उनके पास बाएं हाथ के बल्लेबाज है, 5 और 6 बल्लेबाज है, और उनके खिलाफ ऑफ स्पिनर को नहीं खिला रहे। सनी भाई वही बात है ना कि जब आपने ये तय कर लिया है कि आपने जी पहले बॉल ही डालना है तो ऑब्वियसली आप 2 स्पिनर से नहीं खिलाते हो, जस्टिफाई करने के लिए आपने पता चलेंगे वी हैव डन वेल मेट वी शुड हैव पिक अश्विन द फकिंग शॉट। कोई बात नहीं, इनको आप माफ कर सकते हैं क्योंकि जहां पर जब थोड़ी सी गर्मी ज्यादा हो जाती है तो आपको अंदाजा लग जाता है कि सूरज अंदर और सब कुछ बाहर आ जाता है। ऑस्ट्रेलिया ने जबरदस्त बैटिंग भी की है, और सनी भाई जो दूसरा सेशन और तीसरा सेशन जहां पे लंच से पहले आपको एक विकेट मिली वार्नर की, लंच के बाद लबुशेन आउट हो गए, ट्रेविस हेड, और आपको मालूम है कि ट्रेविस हेड वो मॉडर्न डे बल्लेबाज हैं जो चलाकर खेलते हैं, मैं अब अश्विन की बात ही नहीं करूंगा क्योंकि वो तो अब मुमकिन नहीं है। आपने सही कहा कि अश्विन खेलने चाहिए थे, ये भी सही है कि आपको टॉस जीतते पहले बैटिंग करनी चाहिए थी, एडवांटेज तो कभी आप नहीं देना चाहते हैं, लेकिन वो दूसरे और तीसरे सेशन में ऐसा क्या हुआ कि धूप बाहर निकली और उसके बाद फिर चौके छक्कों की बरसात शुरू हो गई, मतलब किसी स्टेज पर ऐसा लगा ही नहीं। एक तो होता ना कि चलो आपको विकेट नहीं मिली, दूसरा ये है कि आप किसी वक्त ऐसा लगा ही नहीं कि एक टॉप क्लास टीम लड़ रही है यहाँ पे। मौका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल नहीं है, लेकिन जब आपने 76 रन पर 3 आउट कर दिए उसके बाद किसी स्टेज पर धूप निकलने के बाद ऐसा लगा नहीं कि भारत गेम में है, ऐसा क्या हुआ कि गेंदबाजी में वो दब नहीं रहा, ऐसा क्या हुआ कि कप्तान इतने डिफेंसिव हो गए? जी हाँ बिल्कुल, देखिए आपने लंच के बाद में इमीडिएटली लबुशेन को आउट किया था, और ट्रेविस हेड के बारे में सब लोग कहते हैं कि उन जब शुरुआत में आते हैं तो उनको बाउंसर खिलाना चाहिए, बाउंसर तो आपने की नहीं, उनके पैरों पर गेंद देखी, उन्होंने फ्लिक फ्लिक करके चौके लगाए, फिर उमेश यादव ने ऑफ स्टंप के बाहर बहुत सारी मतलब गिफ्ट दे दी जहाँ पे उन्होंने चौके चौके लगाए, तो उसी से मतलब गेम हाथ से निकल गया, और उसके बाद में भी
जो कुछ चल रहा था, कोशिश चल रही थी, बाद में जब टी के बाद में आप बाउंसर की बात ही कर रहे थे, तो फील्ड प्लेसिंग ठीक नहीं थी, फील्ड प्लेसिंग ठीक थर्ड मैन नहीं था, क्योंकि वो अगर बॉडी पर नहीं आती है बाउंसर तो वहाँ से आराम से वो रैम शॉट खेलते हैं आजकल टी ट्वेंटी के बाद, तो वो शॉट से उन्होंने बहुत चौके लगाए। तो जी हाँ बिल्कुल, जो गेम हाथ में थी लबुशेन के विकेट आने के बाद वो हाथ से निकल गई। 327 तीन आउट सनी भाई, आप 450 रन देख रहे हैं, हालांकि देखिए अभी तो ये दोनों बैटिंग कर रहे हैं, स्टीव स्मिथ 100 के करीब है, वो 150 के करीब बैटिंग कर रहे हैं, 250 रन की पार्टनरशिप हो गई है। अभी कैमरन ग्रीन ने आना है, अभी एलेक्स कैरी ने आना है, और अगर आप देखें तो यहाँ पर 450 रन आपको दिख रहे हैं। अब पहला दिन है, 5 दिन का मैच है, 4 पारियों का मैच है, और भारत ने चौथी बैटिंग करनी है। क्या आपको लगता है कि पहले दिन आपके हाथ से मैच इतना फिसल गया है कि अब उसको वापस लेकर आना मुश्किल होगा? अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, और वो बल्लेबाजी आप कर सकते हैं क्योंकि आपके पास बड़े अच्छे बल्लेबाज है, अच्छे फॉर्म में है, शुभमन गिल अच्छे फॉर्म में है, कोहली अच्छे फॉर्म में है, चेतेश्वर पुजारा यहाँ पे काउंटी क्रिकेट में बहुत सारे रन बना रहे, अजिंक्य रहाणे ने भी अच्छी बल्लेबाजी की है, तो बस ये 5 जने हैं, उन्होंने अगर अच्छी बल्लेबाजी की, और रोहित शर्मा ने जो उनका एक में जो ओवरसीज सेंचुरी है वो यहीं पे हुए है ओवल पे, तो अगर वो अच्छी बल्लेबाजी करेंगे तो फिर हम ये मैच में रह सकते हैं, क्योंकि आखिर मतलब तीसरे और चौथे इनिंग में गेंद थोड़ी सी घूम सकती है। ये इंडियन फैंस हैं ज्यादातर जो बड़ी एक्साइट होकर सुबह आए होंगे, और आई एम श्योर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड होंगे क्योंकि इतना जबरदस्त मौसम था आज, और उस मौसम में आपने क्या देखा, सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग, और आपने ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग देखी सिर्फ। मदन जी मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि एक तो अटैकिंग मूव होती है जी, आपने कहा घास है, मौसम है, चलो जी तोड़ देते फोड़ देते पहले बॉल डालते, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसी घास को उसी मौसम को देखकर आपके बैट्समैनों ने कहा वो छोड़ो यार हम पहले क्यों झेले उनको डाल देते हैं? मतलब क्या ये अटैकिंग मूव थी या आपको लगता है डिफेंसिव माइंडसेट था टॉस पे उनको बैटिंग कराने का? नहीं देखिए, ये तो डिफेंसिव मूव थी, अटैकिंग मूव नहीं थी, क्योंकि देखिए आप बैटिंग से बचना चाहते थे, अगर अटैकिंग मूव होती तो बैटिंग पहले करते बिल्कुल। और दूसरी बात है कि ऐसे कंडीशन जो थे सुबह सुबह काफ़ी मुश्किल थे, ऐसा नहीं था कि आसान थे, और पर ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग ही बहुत अच्छी की, पर एज ए यूनिट मैं समझता हूँ कि हमने बॉलिंग अच्छी नहीं की, अच्छी इसलिए नहीं की कि हमने काफ़ी ज़्यादा बॉल जो है ऐसी विकेट पे जहाँ गेंद सीम कर रहा है आपको गेंद आगे रखना चाहिए, आपने बहुत ज़्यादा गेंद ऑफ साइड ऑफ स्टंप करते चले गए जिससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता चला गया। और तीसरा जो अभी सनी भाई ने कहा कि जब आपने हेड को ट्रेवर हेड को जब शॉर्ट पिच गेंद करना शुरू किया तब वो 90 रन बना चुका हुआ था, ये अटैक पहले ही करना चाहिए था आपको। और तीसरी बात मैं समझता हूँ कि लास्ट सेशन जो था हमारे बॉलर देवर कहते हैं ना कि थके हुए लग रहे थे, इतना ज़्यादा मेरे को पेनिट्रेशन या इंटेंसिटी दिखाई नहीं दी हमारे बॉलरों में। आपने देखा अगर शरदोल ठाकर या उमेश यादव जितने भी बॉलर बॉल कर रहे थे ऐसे लग रहा था कि भाग रहे हैं और बॉल कर रहे हैं, और उसमें कोई ऐसा कोई जोश नहीं था जिसमें कि हाँ भी हमने विकेट लेना है ब्रेक थ्रू दिलानी है, ये मैंने मेरे को लगा कि ऐसा था, थके हुए ऐसा लग रहा था कि क्योंकि सबसे अच्छा बॉलर जो था शरदोल ठाकुर उसने गेंद अच्छे गए, पर लास्ट सेशन में उसका बॉल भी इतना ज़्यादा गया नहीं है ठीक, और ना ही उसने कहते ना कि कभी आप बैंड अपनी बैक को बैंड करते हैं वो नहीं, वो बात वही रीइंफोर्स हो गई ना कि जब आप आईपीएल खेल के आते हैं 20 पे और कहीं ना कहीं 4 ओवर पर मैच के बाद एक दिन में 20-22 ओवर डालना, वो ट्रांजिशन करना। अच्छा बहुत से लोग हैं, मैं चाहता हूं क्योंकि बड़ी देर से ये भी कह रहे थे यार क्या। तो गाइस थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए गाइस, इसी तमाम वीडियोस और अपडेट जो हमें इस यूट्यूब चैनल पे लेके आते रहता हूँ गाइस, होप कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे और साथ में नोटिफिकेशन की जो बेल है गाइस उसको जरूर ऑन करेंगे गाइस, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर आप न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर जाइएगा गाइस।